हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की करंट एनर्जी क्या है और आपके लिए ट्रू फीलिंग क्या है। तो जिस भी पर्सन को लेके आप जानना चाहते हैं उनके मन में आपको लेके क्या चल रहा है, तो चलिए जान लेते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग की तरह से देखिए, आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकता है, कुछ पार्ट हो सकता है आपसे रेजोनेट ना भी हो। तो जितना भी आपसे रेजोनेट हो व्यूवर्स, उसे ज़रूर क्लेम करें। और वीडियो अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। डिवाइन एंजल, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड करें उनकी करंट एनर्जी क्या है, जिसके बारे में मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं। ओके, डोर टू स्प्रिट, द सन एंड द टेम्पल पाथ, ठीक है। और बॉटम से हमारे पास आता है दी क्यूनोकोपिया की एनर्जी है। ठीक है, चलिए टैरो से देखते हैं। यहाँ पे मुझे सन साइन बहुत स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, ठीक है। किसी का सन साइन मतलब यहाँ पे हो सकता है कन्या राशि, सिंह राशि, वृषभ राशि, ये कुछ राशि व्यूअर्स मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रही है, ठीक है। और स्कॉर्पियो राशि भी है यहाँ पे। अभी और भी राशि यहाँ पे टैरो से आएंगी तो आप देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के जो फीलिंग्स हैं वो क्या हैं आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को लेकर उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स राइट नाउ की क्या है। ओके, द सेवन ऑफ कॉइन, स्ट्रेंथ, ओके, चैरियट। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स सन एनर्जी क्लेरिफाई करें। थ्री ऑफ सोर्ड, नाइन ऑफ कॉइन्स एंड दी टू ऑफ कॉइन। प्लीज़ यूनिवर्स टेम्पल पाथ को क्लेरिफाई करें। टेम्पल पाथ, किंग ऑफ वैंड्स, टू ऑफ सोर्ड एंड दी एट ऑफ कॉइन की एनर्जी है। बॉटम से आता है एट ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, तो राशि मैं आपको बता देती हूँ जो और हमें मिली है। यहाँ पे सिंह राशि इंपॉर्टेंट है, वृषभ कन्या मकर राशि एनर्जी यहाँ पे निकल गई है, मिथुन तुला कुंभ राशि की एनर्जी है और मेसिंग धनु राशि। तो सारी राशि व्यूअर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी गाइज मुझे यहाँ पे बहुत ही सस्पिशियस ही महसूस हो रही है। सस्पिशियस एनर्जी वो आपको लेके है। आपके पर्सन व्यूअर्स राइट ना, मुझे आपको लेके ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टॉक एंड वॉच कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। मे बी आपके सोशल मीडिया जो भी प्लेटफॉर्म है जिन पे भी आप एक्टिव हो उन पे आपकी एक्टिविटीज़ किस तरह की आ रही हैं, कैसी आ रही हैं, इन सब चीज़ों पे आपके पर्सन का मुझे यहाँ पे फोकस नज़र आ रहा है, ठीक है। ये कंटिन्यू डे टू डे उनको वॉच करते हैं, उनको स्टॉक करते हैं, देखने की कोशिश करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। दूसरा, एनर्जी गाइज ये भी दिखा रही है कि राइट नाउ आपके पर्सन आपको एक ऐसे पर्सन की तरह देख रहे हैं जो काफ़ी स्ट्रांग हो रहा है, जो काफ़ी मतलब अंदर से जैसे कहते हैं ना करेज आ रहा है, एक हिम्मत आ रही है, एक ताकत आ रही है, एक बोल्डनेस आपके पर्सन आपके अंदर देख पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं मिसिंग थी बहुत टाइम से, जिसमें आप एक डल एनर्जी में थे, एक ऐसी एनर्जी में थे जहाँ पर बुझे बुझे रहते थे, मायूसी आपके स्टेटस वगैरह से, आपकी फ़ोटो से नज़र आती थी। लेकिन राइट नाउ आप एक ऐसे पर्सन की तरह यहाँ पर सामने आ रहे हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, चीयर अप कर रहे हैं, हैप्पी रख रहे हैं, खुद को स्ट्रांग बना रहे हैं, और इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन आपको देख रहे हैं। ये पर्सन व्यूअर्स ऐसी एनर्जी को देख के, ठीक है, इनको एक डाउट सा क्रिएट हो रहा है, जैसे कि आप इनके लाइफ से मूव ऑन कर रहे हो, बाहर निकल रहे हो। और ये एनर्जी गाइस इस चीज़ को लेके आपके पर्सन मुझे राउंड एंड राउंड बड़े घूमते नज़र आ रहे हैं, मतलब कि क्या ये सच तो नहीं है, क्या इसकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, क्या इसका किसी और से चक्कर चल रहा है या किसी और की तरफ ही अट्रैक्टेड है ये पर्सन, ठीक है। तो ये एक डाउटफुल एनर्जी है व्यूवर्स की, यानी आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ गया है जिसकी वजह से आप सडन चेंज हो गए, इनको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि इनका इनके ऊपर आपका फोकस बिल्कुल नहीं है, आप इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, इनको लेके ज़्यादा सीरियस नहीं हो, ज़्यादा फिक्र नहीं करते हो, या फिर कहीं ना कहीं कुछ बातें ऐसी हैं जो आप इनसे छिपा रहे हो अपनी लाइफ के अंदर। ये पर्सन थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है जो कहीं ना कहीं दिखा रही है इस पर्सन को इन सब चीज़ों को सोच सोच के ही बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा है। और ये पर्सन व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपसे बात भी करना चाहते हैं इन सब चीज़ों को लेके, जो इनके मन में चल रही हैं बातें, दुविधा चल रही है उसको लेके ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं डायरेक्टली आके कि क्या ये सच है,
क्या तुम्हारी लाइफ में कोई और आ चुका है? क्या तुम किसी और से प्यार करने लगे हो? क्या अब सच में तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, या तुम मुझे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हो? इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ मैं यहाँ पे इस पर्सन को देख रही हूँ। तो ये पर्सन व्यूवर्स बहुत सारे सवालों के जवाब में मुझे यहाँ पे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये पूछें तो आपसे डायरेक्टली कैसे पूछें। इनको ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये डायरेक्टली आपसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती हैं, और अगर इनका सिर्फ ये डाउट निकला तो डेफिनेटली आप इनसे मूव ऑन कर जाओगे, ठीक है? कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको, मतलब आपको हर्ट कर जाए इनकी बातें। मे बी सिर्फ इनका ये डाउट हो, और अगर इनका ये डाउट नहीं है तो फिर इनका क्या होगा? तो फिर ये इनके दिल के टुकड़े हो जाएंगे। तो ये दोनों तरफ से ये पर्सन फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, असमंजस की स्थिति है, आर्ग्यूमेंट करने से बचना चाह रहे हैं। इनको लग रहा है कि क्योंकि आप राइट नाउ आप बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी में हो, तो उनको लग रहा है कि आप इनको कुछ ऐसा ना बोल दो जिससे ये, मतलब या तो ये हर्ट हो जाए या ये आपको कुछ ऐसा बोलते जिससे आप हर्ट हो जाओ। तो ये एनर्जी का डर भी दिखा रही है, कहीं ना कहीं एक वहम को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है ये पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड है, ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते। बहुत ही एक ऐसे पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो दिखा रहे हैं कि इनको आपको लेके बहुत पैशन है, बहुत जुनून है। ये आपको हर कीमत पे अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, आपके साथ में रहना चाहते हैं, आपके साथ में रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। मे बी ये आपको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाना चाहते हैं आपके पर्सन कि वो इस कनेक्शन को लेके सीरियस हो रहे हैं और आप उनको छोड़ के ना जाएं। अगर आपके मन में कुछ ऐसे प्लान्स हैं तो आप उन्हें ड्रॉप आउट कर दें, आप उनको पीछे छोड़ दें, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ इस पर्सन के लिए, ठीक है? क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ व्यूअर्स, ये जो पर्सन है ये राइट नाउ इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे बहुत बहुत सीरियस हो गए हैं और वो इस कनेक्शन को अब बहुत स्ट्रांगली बिल्डअप करना चाहते हैं। जो भी कमियां हैं उनको दूर करना चाहते हैं। मे बी अपने अंदर भी कुछ चेंजेस लाने के लिए पर्सन तैयार मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जो चेंजेस मे बी आपको पसंद, मतलब जो इस पर्सन की जो क्वालिटी रही हैं मे बी वो आपको पसंद ना हो, आप इनके अंदर कुछ चेंजेस डिमांड कर रहे होंगे। तो ये पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हाँ, मुझे मैं बदलने को तैयार हूँ, या मैं चेंजेस लाने को तैयार हूँ, मैं इस कनेक्शन को एक अबंडेंट कनेक्शन की तरह बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? तैयार मेल फीमेल जो भी है वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो मुझे एनर्जी गाइज ये दिख रही है, ये पर्सन आपको लेके बहुत सीरियस है, बहुत कॉन्शियस है और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी नज़र आ रहे हैं। इनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है आपसे कम्युनिकेशन करने का, डायरेक्टली आके इन सब चीज़ों को पूछने का। हाँ, ये सारी बातें यहाँ पर हैं। मे बी किसी और के थ्रू आपसे आपकी लाइफ में जैसे क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जो चीज़ें हाइड हैं, जो चीज़ें अभी तक रिवील नहीं हुई हैं, इधर उधर से उनको जानने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो सारी बातें अब तक ना पहुँचें। मे बी कोई फ्रेंड वगैरह हो सकता है, ठीक है? ये उसके थ्रू भी यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है जैसे कि ये पर्सन बहुत छुप छुप के सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, बहुत छुप छुप के। स्टॉक वॉच तो मुझे बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे फील हो रहा है। और ये एनर्जी गाइस ये भी दिखाई दे रही है कि ये अपने ही सवालों के जवाबों में, मैं कहते हैं ना, सवाल जो इनके मन में है उनमें ये उलझ गए हैं कि अब मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, किस तरह से चीज़ों को हैंडल करूँ, ठीक है? कहीं सच में आप इनके लाइफ से चले तो नहीं जाओगे? अगर ये चलेगा तो इनका क्या होगा? फिर ये कैसे रहेंगे आपके बिना? तो ये भी एनर्जी गाइस मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखा जाए ये सारे सवाल इस पर्सन की लाइफ में तो एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा एक एस्पेक्ट और मुझे यहाँ पे मिल रहा है कि आपके रिलेशनशिप की वजह से, या फिर आपको लेके जो उस पर्सन के मन में डाउट है उस वजह से ये जो पर्सन है ये अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अपनी डे टू डे लाइफ के काम जो भी हैं, मे बी वर्क रिलेटेड हो सकता है, उन पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। इनका अपनी लाइफ में, मतलब अगर ये ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर इनका मन नहीं लग रहा है काम में, क्योंकि इनका दिमाग आपके ऊपर लगा हुआ है। जैसे कहते हैं ना, काम तो कर रहे हैं पर बैक ऑफ द माइंड ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप। तो मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो गए हैं और एक एक तरह से एंग्जाइटी का जैसे शिकार हो गए हैं। बहुत ज़्यादा इनके अंदर ऐसा आ गया है जैसे बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, डिप्रेशन इसको हम एक अलग लेवल का कह सकते हैं, अलग तरीके का कह सकते हैं, कि इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल करे, क्योंकि उनको ऐसा लगने लगा है कि वो आपको खो देंगे और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। तो ऐसा भी नज़र आ रहा है व्यूवर्स की ये सारी बातें इस पर्सन को इतना बॉदर कर रही हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं जैसे कि एक तरह से ना एक डिस्टेंस सा क्रिएट कर लिया है। मे बी अपनी अपनी लाइफ के जो भी वर्क हैं उनसे मुझे ऐसा फील हो रहा है, जैसे कि हर काम इनका बिगड़ रहा है,
काम सही से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है इनका जो फोकस है वो आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा है। ये इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं, और इस वजह से मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन राइट ना अवॉइड कर रहे हैं, जैसे कोई कोई कहीं जाना है, कोई मीटिंग वगैरह है तो उसको अवॉइड कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेशन करना है तो उसको अवॉइड कर रहे हैं, जैसे इनका ध्यान ही नहीं है किसी से बात करने पर, और बहुत ज़्यादा ही शांत हो गए हैं आपके पर्सन, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि इनको बस वही चीज़ें जाननी है जो इनके मन में चल रही हैं। ठीक है, और देख लेते हैं इस पर्सन के मन में और क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं और क्या चल रहा है, ये क्या चाहते हैं इस कनेक्शन को लेके आप मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून बहुत बहुत सॉलिड कार्ड आया है। वो आपके साथ में बात करना चाहते हैं, वो आपके साथ में मिलना चाहते हैं, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वो हैंडल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं चीज़ें बेहतर हो जाएं, स्टक ना रहें आप लोग एक एक तरह से एक दूसरे के बिना लाइफ ना जिएं, क्योंकि मैं इस पर्सन को देख रही हूँ अगेन, वाओ वी हैव अ वर्ल्ड एनर्जी, ओ माय गॉड। तो कहीं ना कहीं व्यूअर्स इस पर्सन की तरफ से आप कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई कॉल, कोई मैसेज किसी भी तरह का, किसी भी जरिए से ये आपकी तरफ आएंगे और आपके साथ में कम्युनिकेशन करने की कोशिश करेंगे, और ये मुझे एक डिवाइन का भी कहीं ना कहीं इसमें रोल नज़र आ रहा है, जैसे कि अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, द वर्ल्ड आ गया, यानी डिवाइन इंटरफेरेंस ज़रूर हो रहा है, यानी इस पर्सन को एक इनसिक्योरिटी जो हो रही है वो भी कहीं ना कहीं इसलिए हो रही है कि वो आपकी तरफ आई, आपसे कनेक्ट हो, आपसे बात करें, चीज़ें सॉर्ट आउट करें, और आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो जाए। ठीक है, तो जो चीज़ें बहुत समय से कहीं ना कहीं पॉज थी, अटकी हुई थी, बातचीत नहीं हो पा रही थी, तो इस टाइम की बात होगी आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप बेहतर होने को लेके ही मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो पर्सन आप देख रहे हैं ना, ये जैसे कि बहुत खुश है, ये एनर्जी, ये इंसान बहुत खुश नज़र आ रहा है मुझे कि यार चलो चीज़ें हो रही हैं, है ना, मतलब देख के ही बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे एनर्जी गाइस ऐसी मिल रही है कि ये दिखा रही है कि आपकी तरफ जब ये कॉल मैसेज आएगा तो ये आपको चीयरअप ही करेगा। ठीक है, और आपको इन चीज़ों से मतलब अच्छा ही लगेगा। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं कब तक आ सकता है कॉल मैसेज, कब तक आ सकता है। द डेविल, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, ये पर्सन को इतनी इनसिक्योरिटी हो रही है कि ये रुक ही नहीं पाएंगे, इमोशनल एनर्जी है, नाइट ऑफ कप्स की है, तो दिखा रही है व्यूअर्स कि ये जो पर्सन है आपसे बहुत जल्दी, मे बी विद इन अ वीक और मे बी कुछ फ्यू डेज़ के अंदर अंदर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे और आपसे बेहतर तरीके से बात करेंगे, इस कनेक्शन को लेके क्लियर अप करेंगे, नई फ्रेश स्टार्ट को लेके, और एक तरह से नई जर्नी यहाँ पर शुरू हो रही है, जैसे कि कहते हैं ना बस टाइम इज़ ओवर, मतलब बस हो गया, बहुत बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत रह लिया, बहुत पॉज हो गया, बहुत चीज़ें इंतज़ार में कट गई, बहुत लंबा समय निकल गया, इस टाइम की चीज़ें बेहतर हो, नई शुरुआत हो। ओह माय गॉड, वी हैव अ पेज ऑफ कप्स ऑल्सो और एस ऑफ कॉइन, तो बहुत जल्दी ही बात होने वाली है, मे बी कुछ दिन के अंदर या फिर विद इन अ वीक्स और वन और टू वीक्स के अंदर अंदर, लेकिन हाँ ये पर्सन बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से, आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियोज़ के लिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहिए। ओके, सो बाय, टेक केयर।